सर्वाइवल मूवीज़ तो कई सारी होती है, पर जो मुझे एनिमल अटैक सर्वाइवल मूवीज़ को देखने में आता है वो और कोई सर्वाइवल मूवीज़ को देखने में नहीं आता। इन मूवीज़ को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एनिमल्स अपनी ब्रुटैलिटी के सारे लेवल्स को कैसे पार करते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए 5 एकदम कमाल के एनिमल सर्वाइवल मूवीज़ का रिव्यू लेकर आया हूँ, जिन्हें देखने के बाद आप इन्हें भूल नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5 बेस्ट एनिमल सर्वाइवल मूवीज़ का रिव्यू। सोचो अगर आपका प्लेन क्रैश हो जाए, दूर दूर तक सिर्फ आइस हो, वुल्स आपको खाने के लिए आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, ऐसे में आप कैसे सर्वाइव करोगे। यही सब आपको नंबर 5 की मूवी में देखने को मिलेगा, जहां पे 8 सर्वाइवर्स अपने आप को कैसे इन मुश्किलों से बचाते हैं और सेफली अपने घर पहुंचते हैं या नहीं। 2011 की एक्शन एडवेंचर मूवी द ग्रे। मूवी ने जो कमाल की सर्वाइवल जर्नी को बड़े अच्छे से दिखाया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हर तरफ से बस यही लगता है कि अब ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर किसी न किसी तरह से वो बच जाते हैं। एक्टिंग का लेवल इस मूवी में टॉप पे है और लियम नीसोन की एक्टिंग ने मूवी को बहुत ज्यादा इंगेजिंग बना दिया। बस बीच बीच में मूवी थोड़ी सी बोर करने लगती है, पर अगर आपने इसे पेशेंटली देखा तो आपको बहुत मजा आएगा। इस मूवी को आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ अमेजन प्राइम पे देख सकते हो। नंबर 4 की मूवी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि आप इस मूवी को देखने के बाद पानी में जाने से पहले 2 बार सोचोगे। 2019 की हॉरर एडवेंचर मूवी क्रॉल। हैली और उसके फादर फ्लोरिडा में तूफान और फ्लड आने की वजह से वहीं पे फंस जाते हैं, पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होने लगती है जब उनके घर में पानी के साथ साथ खतरनाक एलिगेटर्स घुस जाते हैं। तो अब ये दोनों उनसे कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे वहाँ से निकलते हैं, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी सर्वाइवल का पूरा पैकेज है, इसमें आपको तूफान, फ्लड और डेडली एनिमल सब कुछ देखने को मिलेंगे। मूवी की सबसे कमाल की बात है फीमेल लीड की एक्टिंग, जो आपको एंड तक ग्रिप करके रखेगी। तो अगर डेडली सर्वाइवल मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पे अच्छी हिंदी डबिंग के साथ मिल जाएगी। अगली जो मूवी है इस लिस्ट की वो उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी देखनी पसंद है। नंबर 3 की एडवेंचर मूवी अल्फा। एक लड़का जिसे उसके कबीले के लोग जंगल में छोड़ के चले जाते हैं और वो कैसे वहाँ अकेला सर्वाइव करता है और कैसे कबीले तक वापस पहुंचता है, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस मूवी में सर्वाइवल के साथ साथ इमोशन को भी बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे एक इंसान और जानवर एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हैं। वुल्फ और उस लड़के की दोस्ती को इस मूवी ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाया है और एंड तक सर्वाइव करने की लगन इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। बस कहीं कहीं पर मूवी किसी और ही टेंजेंट पे चली जाती है, जो कि इसकी नेगेटिव बात है। तो अगर इमोशनल सर्वाइवल से भरी कोई मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी अमेजन प्राइम पे इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी सबसे डेडली एनिमल अटैक सर्वाइवल मूवीज में से एक है, जिसे आप देखने के बाद चाह कर भी भुला नहीं पाओगे। 2016 की हॉरर से भरी द सैलोज। नैन्सी बीच पे सर्फिंग करने आती है, पर कुछ देर बाद उस पर एक डेडली व्हाइट शार्क अटैक कर देती है। तो अब नैन्सी उस शार्क से अकेले कैसे सर्वाइव करती है तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही ज्यादा स्लो है और कई सारे सीन्स मूवी में खींचे हुए लगते हैं, जिन्हें मूवी से काटा भी जा सकता था, पर फीमेल लीड ने जो अकेले कमाल की एक्टिंग की है उसने मुझे मूवी में इंगेज कर लिया। ये वाली शार्क मूवी बाकी सारी शार्क मूवी से बहुत ज्यादा अच्छी और हॉरिफाइंग है। इसे आप अमेजन प्राइम पे अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। नंबर 1 की मूवी एनिमल अटैक सर्वाइवल मूवीज की सबसे अंडररेटेड और बेस्ट मूवीज में से एक है। मूवी की स्टोरी एक फादर और उसकी 2 डॉटर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो वेकेशन के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं, पर इनका वेकेशन तब हॉरर में बदल जाता है जब एक लॉयन इन पे अटैक करता है। तो अब ये फादर अपनी दोनों डॉटर्स को इस लॉयन से कैसे बचाता है, ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा। ये मूवी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, पर सर्वाइवल के मामले में मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इसमें आपको फादर और डॉटर्स के बीच का बहुत अच्छा रिलेशन देखने को मिलेगा और कैसे एक फादर अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये इस मूवी ने बहुत अच्छे से दिखाया है। तो अगर हद से ज्यादा ब्रूटल और वॉयलेंट सर्वाइवल मूवी देखना चाहते हो तो 2022 की बीस्ट अमेजन प्राइम पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो ये थी मेरी टॉप 5 बेस्ट एनिमल सर्वाइवल मूवीज। अगर आपको मेरी ये रिकमेंडेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही मूवीज और सीरीज की रिकमेंडेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली मूवीज और सीरीज की रिकमेंडेशन के साथ।